अस्सलाम, क्या चाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो छोटी वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो। देखें दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके, कॉल करके ये पूछते हैं, जी हम फ्रेश हैं, हमने आगे किसी कंट्री में जाना है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखें दोस्तों, जो मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा होता हूँ इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, वो आपका ही फ़ायदा है। जो मैं सजेशन दे रहा होता हूँ उसमें मेरा किसी भी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखें, आप मुझे अगर पूरी दुनिया में से कहीं से भी देख रहे हो तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मुझे कमेंट कर रहे होते हैं, जी आप व्यूज़ लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते। अगर मैंने व्यूज़ लेने के लिए वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ तो मैं इन टॉपिक्स पे नहीं बनाऊँ, बड़ा खुश किस्म का टॉपिक वीज़ा, एवरीडे वीज़ा के बारे में बात करूँ मैं, तो फिर करूँ ना कोई पार्टीज़, कोई लड़कियाँ वगैरह साथ रखूँ, उनके साथ आऊँ तो फिर व्यूज़ भी बढ़ें और पार्टीज़ वगैरह करूँ तो जिस पे व्यूज़ भी मिलें और सब्सक्राइबर भी आएँ। तो ये मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, आपको सजेशन देने के लिए कि भाई इस तरीके से आप अप्लाई करें किसी कंट्री में वीज़ा। अगर अप्लाई करना है तो मुझे कहते हैं, जी हमने फ्रेश पासपोर्ट पे करना है। मैं कहता हूँ फिर कर लें आप फ्रेश पासपोर्ट पे। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया भाई आप फ्रेश पासपोर्ट पे करें या फिर ट्रैवल हिस्ट्री बना कर करें, लेकिन मेरी सजेशन के मुताबिक मैं आपको कहता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री बना कर किया करें। आज भी मुझे कॉल्स आई और डेली की कॉल्स होती हैं, जी हमने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनानी। अच्छा, वो समझ रहे होते हैं उसमें शायद मेरा फ़ायदा, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में मेरा फ़ायदा। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ आप मेरे पास आओ, मुझसे काम कराओ। मैंने तो वीडियो बना के आपको पूरी एक तरतीब बता देनी है, आप बेशक खुद करो, किसी से काम करवाओ, मुझे तो फ़ायदा नहीं हो रहा ना। आप किसी के पास जा रहे हो या खुद कर रहे हो, इसमें मेरा फ़ायदा तो नहीं है। अगर 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज़ उसमें से कोई एक आधा बंदा आता तो एक आधे बंदे का ही मुझे फ़ायदा, और बाकी तो फ़ायदा नहीं मुझे। अच्छा, अब मैं आपको सबको सजेशन दे रहा होता हूँ कि भाई मेरे आप ये काम करें कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, ट्रैवल हिस्ट्री बना के शेंजन वीज़ा अप्लाई करें किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री का वीज़ा। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप करोगे तो आपके रिफ्यूज़ल लगने के चांस हैं। अगर आपने किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री का ट्रैवल किया होगा तो आप आसानी से मूव कर सकते हो किसी भी कंट्री के अंदर। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री जस्ट एक तुक्का है, लग गया तो लग गया, अदरवाइज फिनिश। बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा अप्लाई करना, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ऐसा ही है जैसे बगैर तैयारी के इम्तिहान देना, पेपर देना, तो उसमें फिर ऐसे ही होता है, तुक्के पे होता है, या आप नकल मार के पास हो गए हो, या फिर एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन नहीं सही देखे, या फिर आप वैसे ही पास हो गए। अब यही चीज़ होती है विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, जब वीज़ा आप अप्लाई कर रहे होते हो तो चांस ही होता है कि लग जाए वीज़ा, तो लग जाए, अदरवाइज़ रिफ्यूज़ ही होता। तो मैं लोगों को मोस्टली यही कहता हूँ, भाई आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। फिर ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की बनाएं? मोस्टली लोग बस इसी वजह से डरते हैं कि जी हमने पैसा लगा देना है। मैंने पहले भी कितनी बार बताया कि जी जो आप पैसा लगा रहे होते हो, ये पैसा आपका ज़ाया नहीं जा रहा होता, ये इन्वेस्ट कर रहे होते हो आप अपने ही पासपोर्ट के ऊपर। तो अपने पासपोर्ट पे इन्वेस्ट करना सीखें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद वीज़े अप्लाई करें तो आपको वीज़े मिलेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।